सर तैयार है? यस सर। सर बात की जाए चित्तौड़गढ़ वीरभूमि पर रहे हैं, किस तरह की कार्यशैली? चित्तौड़गढ़ निश्चित रूप से यदि हम कहें, चाहे वो इतिहास की बात करें, वीरता की बात करें, भक्ति की बात करें, तो सब में शिरोमणि है, राजस्थान का गौरव है। तो सबसे पहले तो यहाँ आके कार्य करना अपने आप में मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। जहाँ तक कार्यशैली या प्राथमिकताओं का विषय है, मुझे लगता है वर्तमान में जो हमारे संकल्प यात्रा चल रही है, और संकल्प यात्रा के माध्यम से उद्देश्य है कि जन जन को विभिन्न स्कीमों का लाभ मिले, सैचुरेशन के लेवल पे पहुंचाया जाए। कई ऐसे हमारी पंचायत हैं जहां पर लाभार्थी, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन हो जो कि स्वास्थ्य संबंधित है, या फिर वो चाहे हमारे विश्वकर्मा योजना हो, जिसमें कई ऐसे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में कई हमारे रूरल क्षेत्र में काम करते हैं ऐसे कार्मिक जो कि तरह तरह की विधाएँ रखते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। वो लगातार कार्य यहाँ की टीम कर रही है और मैं उनको बधाई दूंगा, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। परंतु प्राथमिकता ये रहेगी कि इन कैंपों को, जो कि अब आधे से ज़्यादा पंचायतों में हो चुके हैं, उनको अच्छे से कराया जाए। कैरी ने उनको हटाने के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो श्रीमान कलेक्टर साहब थे उन्होंने गोलमाल जवाब दे के उनको यहीं रखा। उन्होंने लगभग 15 कलेक्टर बदल दिए। दूसरा, सांवले जी मंदिर मंडल में एक केशियर पिछले 35 साल से काम कर रहा, उसी को ही प्रशासनिक अधिकारी बना रखा। मंदिर मंडल में कितने करोड़ रुपए का कहा बजट है, क्या है, सब उसको देखिए। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा, मुझे लगता है कि एक बार चीज़ों को मैं ज्वाइन करके समझ लूँ। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आपकी आयु देख के लग रहा है आप काफ़ी समय से कार्य कर रहे होंगे। नहीं, गोपाल जी भटके नहीं, मैं आपसे विषय में कह रहा हूँ, तो मैं यही हूँ। आप पूछते रहेगा प्रश्न, मैं तो जब हर व्यक्ति की सुनवाई की बात कर रहा हूँ तो आपसे भी बिल्कुल वार्ता करेंगे। धन्यवाद सर। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, डिपार्टमेंट में कहीं अधिकारी लेट पहुँचते हैं, आप क्या एक्शन लेंगे? मैं आप, चूंकि आप सब मीडिया के बंधु हैं, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ऑफिस समय पे आना एक प्राथमिकता है डेफिनेटली। फिर वही है कि अभी आज ज्वाइन ही किया है, और डेफिनेटली ये सभी अधिकारियों से सुनिश्चित किया जाएगा समय से ऑफिस वो आएंगे। धन्यवाद।